पहले होता था कि शायद ये इस फील्ड में बस जी मेल ही आ सकती है और वो ही आगे सब कुछ कर सकती है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ये कैसे कहा जा सकता है कि खवातीन जो है कानून के ऊपर फैशन नहीं आ सकती? मैं भी आपके सामने मिसाल के लिए हमारे अंदर मर्दों से ज़्यादा डिटर्मिनेशन भी है और बहादुरी भी, दिलेरी भी है। बिल्कुल, इसको ऑर्गेनाइज करने का ये मकसद था कि हमारे जो 100 ईयर्स के पीछे से वुमेंस हैं जो लॉ में और जिन्होंने हमारे मतलब सोसाइटी के लिए अच्छे काम किए हैं और जिन्होंने वुमेन को एम्पावर किया कि वो आगे बढ़े और इस फील्ड में आए। अगर इक्वल राइट्स नहीं है तो फिर किसी भी लॉ का फायदा नहीं। देयर आर लॉज व्हिच आर ओनली फॉर वुमेन। मैडम निदा उस्मान को कहूँगी कि ये उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क की और इतनी रिसर्च के बाद ये सारा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराया। 100 ईयर्स से बहुत काविशें हैं उनकी, बहुत सारी उनकी ऐसे काम है जो कि एवोल्यूशन आए लॉ में, लेकिन आज तक इन औरतों के बारे में, हवती के बारे में बात नहीं की गई। औरत जात के बहुत से रूप हैं ऐ इब्ने आदम, वो मज़लूम हो, जालिम हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो, वो हर हाल में ये साबित करती है कि वो किसी से कम नहीं है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक। अगर पाकिस्तान की तरक्की में बात की जाए तो कहा जाता है कि कहाँ हैं हमारी ख्वातीन और वो क्यों नज़र नहीं आती हमें किसी भी फील्ड में। अगर हम लोग अपनी बैकग्राउंड देखी जाए, हिस्ट्री में अगर जाया जाए, तो पिछले 1400 साल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सबूत दिया था कि ख्वातीन कारोबार भी कर सकती हैं, वो किसी भी फील्ड में आगे जाके और बहुत तरक्की कर सकती हैं। आज यहाँ पे मौजूद निदा साहिबा ने ये चीज़ का प्रूफ दिया है कि हमारी पिछले 16 साल की तारीख में पाकिस्तान की सबसे काबिल ख्वातीन जो कि वकला भी रह चुकी हैं और जजेस भी रह चुकी हैं, उनकी एक आर्ट नुमाइश की है और वो आर्ट नुमाइश किसी से कम नहीं है। यहाँ पे मौजूद ज़ायरीन से हम उनके ख्यालात भी लेंगे और जानेंगे कि उनको इस काम में कितनी मेहनत दरकार हुई और कितना वक्त उनको लगा इस सारी अपनी काविश को पूरा करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं मोहतरमा निदा साहिबा के पास और उन्हीं से जाके उनके इस काविश, इस मेहनत के बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ ज़रूर आप एंटर करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक ठाक। निदा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगी कि आपने वो काम किया पाकिस्तान में जो आज तक कोई भी नहीं कर सका। आपने इतनी हमारी पाकिस्तान की वुमेंस थी जो इतनी आगे तक आईं, जिन्होंने हमें हिम्मत दी और आपने उनको आज यहाँ पे लेके आई। थैंक यू सो मच। ने ऑर्गेनाइज़ किया, आप सबसे पहले तो हमें उसके बारे में कुछ बताएं कि आपको कितनी मेहनत लगी इसके ऊपर, कितना टाइम पीरियड आपने लिया इसके ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए 16 साल का अरसा डॉक्यूमेंट करना था हमने, जब से ख़वातीन वकला को हक मिला है कि वो अदालत जाके वकालत कर सकें, तो बहुत लंबा अरसा था और हमारे पास कोई ऐसी रिसोर्सेज तो मौजूद नहीं थी पहले से बनी हुई कि हम जाएँ उसको इंसाइक्लोपीडिया को खोलें और वहाँ से इंफॉर्मेशन आ जाए। तो हमें अपनी तहकीक नए सिरे से करनी पड़ी और मुझे तकरीबन जुलाई अगस्त 2023 में मेरे जहन में ये आइडिया था, क्योंकि अप्रैल 2023 में 100 साल मुकम्मल हुए थे। तो तब से ही हम विमेन लॉ इनिशिएटिव के अंदर इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये 100 साल किस तरह सेलिब्रेट करने चाहिए। तो यही सोचा कि हर दफ़ा हमसे सवाल किया जाता है कि जी कहाँ है काबिल ख़वातीन, जब भी कोई हम नुमाइंदगी की बात करते हैं। हमने कहा आप दिखाई देते हैं कि किधर किधर हैं, कहाँ कहाँ हैं। माशाल्लाह इतनी सारी है पूरे पाकिस्तान भर से। हमने छोटे छोटे शहरों तक जाके अपने नेटवर्क के ज़रिए लोगों को अप्रोच किया। विमेन इन लॉ के 8 चैप्टर हैं पूरे पाकिस्तान में, 7 चैप्टर हैं पूरे पाकिस्तान में। तो वहाँ से हमें लोकल जो ख़वातीन हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उन्होंने बहुत मदद की इन स्टोरीज तक पहुँचने की। और हमने कोई एक क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ था। जाहिर है जो बच्चियाँ लाहौर कराची में उनके चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं जो, और तो हमने उन सबके अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए उनकी सक्सेस को यू नो वो शोकेस किया। किसी के लिए सक्सेस सिर्फ अपने कॉलेज तक पहुंच के अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेना सक्सेस थी, क्योंकि वो ऐसे हालात में थे कि वहाँ पे एजुकेशन पे बैन लगा हुआ है कुछ ऐसे। बिल्कुल, तो इस तरह से हमने कोशिश ये की है कि जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं ना पाकिस्तान भर की ख़वातीन की और जो पाकिस्तान से बाहर भी, जैसे ये सारी वॉल है इंटरनेशनल वीमेन, पाकिस्तानी वीमेन जो इंटरनेशनल इदारों में बतौर वकील या बतौर इन हाउस काउंसिल काम कर रही हैं या एज ए लेक्चरर काम कर रही हैं, तो ये वॉल उनके लिए है। इसी तरह से डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए हैं एग्जीबिशन में, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें यंग लॉयर्स शामिल हैं, डाइवर्स लॉयर्स शामिल हैं। तो अरसा मेहनत तो बहुत लगी, पर मेरे साथ बहुत वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट स्कूल्स के, जो हम शोरू सिंध से लेकर लाहौर तक
और उन सब की मदद से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। निदा साहिब, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप खुद भी एडवोकेट हैं? जी, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मेरा जो काम है ज़्यादा वो रिसर्च से मुंसलिक है। मैं पढ़ाती भी हूँ, ट्रेनिंग भी करती हूँ, कंसल्टेंट हूँ, और मेरी जो रिसर्च एरिया है वो है ही खवातीन की नुमाइंदगी, खवातीन वकला की नुमाइंदगी, वो मेरी स्पेशलाइजेशन है। अगर हम लोग अपने आजकल की सोसाइटी देखें, पाकिस्तान को देखा जाए, तो ज़्यादा केसेस कौन से आते हैं अगर लड़कियों को ही लेके देखा जाए? देखिए, अभी भी इनहेरिटेंस हो गया, फैमिली मैटर्स हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए, चाइल्ड मैरिज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, जो ख़वातीन ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में ना, जैसे जैसे ख़वातीन आगे आएंगी, काम करेंगी, अपने बिजनेसेस होंगे, तो उनके फिर सिविल नेचर के, कॉर्पोरेट नेचर के केसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब तक मुआशरा अभी तक ख़वातीन के बेसिक जो हकूक है उन वो ही पूरे नहीं कर रहा, तो अभी तक तो वो उसके लिए लड़ने आएंगी ना, उसी हक के लिए आएंगी। तो विरासत के हकूक और इस तरह की चीज़ें जो हैं फ़िलहाल वो अभी तक अभी भी ज़्यादा हैं। नीरज साहिब, अगर देखा जाए तो आजकल के हमारे जो सोसाइटी का माहौल जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा औरत को हरासमेंट अगर देखी जाए या फिर उनको मेंटली टॉर्चर देखा जाए, तो उनको फैमिली केसेस को लेके, बच्चों को लेके किया जाता है, तो आप उसके लिए हमारे वुमेंस को क्या एडवाइस देंगी कि वो खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि उनको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े अगर हो भी जाती है? जी बिल्कुल, इस पर मैं सबसे एडवाइस जो है खवातीन से ज़्यादा वालिदैन को देना चाहूँगी कि अपनी बच्चों की तालीम पर, बच्चियों की खास तौर पर तालीम पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा ये कहा कि जी सिक्योरिटी शादी नहीं है, आपकी सिक्योरिटी आपकी तालीम है। और इसलिए नहीं कि शादी में ज़रूर कोई गड़बड़ी हो, खुदा ना खास्ता हस्बैंड की डेथ हो सकती है, माजूरी हो सकती है किसी किस्म की, तो मेरे वालिद को हमेशा ये डर लगा रहता था कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, तो बस इस डर की वजह से उन्होंने हमें इस काबिल किया कि कभी कभी हम किसी ऐसी मजबूरी में ना हों कि हमें ज़िंदगी गुजारने में कोई मसला हो। तो ये जो घरों से एम्पावरमेंट शुरू होती है, जो वालिद वालदा का सपोर्ट होता है तालीम की तरफ, मेरा ख्याल है वो इस चीज़ की सबसे फाउंडेशन बेस है। हम लोग अगर अपने इर्द गिर्द का माहौल देखिए, एनीवन के जगह जगह पे आजकल ये हो रहा है कि एक मर्द है अगर वो अपनी घर की औरत को मार रहा है, उसको बाय फोर्स अपने साथ रखा है, अगर छोड़ भी उसको देता है फिर भी उसको अपने साथ बांधे हुए कि नहीं तुम नहीं जा सकती कहीं, उस सूरत में एक औरत को क्या करना चाहिए? मसला वही है, एक औरत ज़्यादा मजबूत तभी हो सकती है जब उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। आधी से ज़्यादा खवातीन के तो हमारे यहाँ बैंक अकाउंट नहीं होते, उनके पास फ़ोन अपने नाम पे नहीं होते, इंटरनेट के नाम पे हमारे अपने भी उनको नहीं आने देते कि लोग क्या कहेंगे अगर आपको घर आके बैठ जाएंगे, उनको नहीं सपोर्ट करते। बस मैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस और तालीम, और ये जो हमारी आज एग्जीबिशन है ये भी इसी यही एक कोशिश है कि अवेयरनेस और तालीम के ज़रिए ही इस चीज़ को जो है ना माशरती तौर पर जो है हम आगे बढ़ सकें। ये मकसद था कि हमारे जो 100 ईयर्स के पीछे से वुमेंस हैं जो लॉ में, और जिन्होंने हमारे मतलब सोसाइटी के लिए अच्छे काम किए हैं, और जिन्होंने वुमेन को एम्पावर किया कि वो आगे बढ़े और इस फील्ड में आए, कि ये लोग हैं जो मतलब डिफरेंट सेक्टर्स से हैं, जो कुछ लाहौर से हैं, कुछ कराची से हैं, कुछ बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, तो इस तरह से ये सारे डिफरेंट डिफरेंट्स। आप आगे कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे लॉ के अंदर? मैं आगे जो पर्सनली मुझे पसंद है वो मैं लाइक करती हूँ कॉर्पोरेट की फील्ड, टैक्स में। तो बाकी मेरे पापा जो है वो भी लॉयर हैं, तो वो कहते हैं कि सिविल की तरफ जाओ। तो आप क्यों जाना चाह रही हैं टैक्स डिपार्टमेंट में, लॉ के अंदर ही क्यों जाना चाह रही हैं? तो कंपनीज के मतलब होता है उसमें ये कि वो लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ भी है, और मुझे इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। कंपनीज लॉ वगैरह में पढ़ी ना, तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप हमारी आने वाली न्यू जनरेशन, स्पेशली जो हमारी गर्ल्स हैं, यंग बच्चियाँ हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप आगे आएँ, आप मतलब इस फील्ड को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता लॉ में। अगर हम अपने देखें ना, जो नीचे वाला तबका है वहाँ पे इस फील्ड को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो मैं उनको एक वो दूंगी, मोटिवेशन दूंगी कि आप इस फील्ड में आएँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ, मतलब जिस तरह से दिखाया जाता है उस तरह का नहीं है। तो आपके आगे से बहुत ज़्यादा आपके लिए डोर ओपन होते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे से फील्ड चूज़ कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आपको एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहा जाए कि आपने वुमेंस के लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाना, तो आप क्या करवाएंगी? मैं करवाऊंगी तो मैं सिविल करवाऊंगी या क्रिमिनल करवाऊंगी, क्योंकि सिविल में हमारे पास ये होता है कि उसमें हमारे फैमिली केसेस आते हैं, उसमें ज़्यादा वुमेंस के केसेस होते हैं, जैसे डिवोर्स वुमेंस होती हैं या जिनके बच्चों के मामला होते हैं घर के होते हैं, तो वो अगर वो स्टडी करेंगी ना, तो वो अपने इर्द गिर्द सबको बताएंगे उसके बारे में और वहाँ से और भी वुमेंस करवाऊंगी। आपने यहाँ पे सिविल की बात की है, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन लॉ पे ही करती चलूँगी कि हमारे जितनी भी एक सिंगल मदर होती हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि हमारे जो जजेस होते हैं वो उनका फैसला करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और बच्चों की ज़िंदगी जो उनसे होती है वो एक अदालतों में रह जाती है, रुल जाती है उनकी ज़िंदगी, तो उनको ये केसेस जल्द अज जल्द ख़त्म करने चाहिए ताकि उनका एक फ्यूचर सिक्योर हो सके, वो स्टडी अपनी अच्छे तरीके से कर सकें और मेंटली हेल्थ भी उनकी सही रहे। ये है, लेकिन हमारे जो मतलब एक इदारा मिलके सारा कुछ नहीं कर सकता, ये है कि हम सबको मिलके इसके लिए काम करना चाहिए, और ये वाकई बहुत मेजर इशू है हमारी जो सोसाइटी का है। बिल्कुल, कि हमारे जो हैं बच्चे जो होते हैं वो जब तक वो बड़े हो चुके होते हैं जब तक उनके केसेस आते हैं। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि हम आगे आए, यंग जनरेशन आगे आए और इस चीज़ को बदले। अगर इक्वल राइट्स नहीं है तो फिर किसी भी लॉ का फायदा नहीं। देर आर लॉज विच आर ओनली फॉर वुमेन बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट। अगर आप देखेंगे बिग सिटीज़ में फिर आपको थोड़ा बहुत वुमेन इंक्रेजिंग पावर मिल जाती है, लेकिन जिस सथल के एरियाज़ हैं, दूसरे एरियाज़ हैं सेंट की साइड पे हैं, या इवन दो इन पंजाब बैक इन लाइक गुजरांवाला से आप आगे चले जाएँ, नहीं आप गुजरांवाला से अंदरून, यहाँ आप सिर्फ एक शहर की बात ना करें, तमाम शहरों की तरफ जाएँ आप, जो सिटीज़ अभी तक नहीं लगी है जिस सर्विस इलाके हैं, तो वहाँ पे इवन दो जो रेप केसेस का रेट है वो इट्स लाइक आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, बट कि कहीं पे किसी जगह पे इसके कोई नंबर्स नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर इसकी बात नहीं है, कहीं पे इसके स्टैट्स मौजूद नहीं है, क्योंकि वो केसेस ऊपर आते ही नहीं है। ये जो जागीरदाराना चीज़ें हैं इसके अंदर, वहाँ पे वुमेन रोज़ रेप होती हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ रोज़ जाती थी, लेकिन वो केसेस ऊपर आते नहीं हैं। हाँ, उनके राइट्स हो वहाँ तक फैसिलिटीज़ पहुँचें, उसके बाद लॉ इम्प्लीमेंट हो, देर आर नंबर ऑफ लॉज देयर, लेकिन आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे। तो आप हमारे पाकिस्तान की आने वाली न्यू वकील हैं और माशाल्लाह आप कंप्लीट नहीं आने वाले आपका लॉ, तो सायरा आप हमें ये बताएं कि आपको आज की इवेंट आके कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं मैडम निदा उस्मान को कहूँगी कि ये उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क की और इतनी रिसर्च के बाद ये सारा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ कराया, और दूसरी बात कि ऑब्वियसली हमें बता रहा है कि हमारी वुमेंस भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनका भी काम है, बहुत ज़्यादा इन है, उसके बगैर तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। उसके अलावा बता रहे, मतलब लोग समझते हैं कि पता नहीं लॉ की फील्ड इतनी अच्छी नहीं है औरतों की, लेकिन यहाँ पे आके पता लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हैं और बहुत सारे काम करके भी जा चुके हैं, बहुत सी औरतें नहीं अपने लिए आवाज़ उठा पाती, उनको नहीं पता चल रहा होता कि वो किस तरह करें, और फैमिली सपोर्ट नहीं उनको होती, और अब बहुत सारे हरासमेंट के इदारे बन चुके हैं, वो वहाँ पे कंप्लेन करें, ऑनलाइन अब तो इतना ज़्यादा आ गया निज़ाम। अच्छा सायरा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों को जब जाते हैं अदालत के अंदर तो सबसे पहले क्वेश्चन ये किया, चाहे वो मर जाएँ या औरत जाएँ जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन उनसे ये किया जाता है कि आपने पुलिस कंप्लेन की है? हमारे लॉ के साथ साथ क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पुलिस को भी एक्शन ज़्यादा अच्छी तरीके से लेना चाहिए? बिल्कुल, पुलिस सबसे पहले मैटर करती है, अगर पुलिस की सारी कार्रवाई अच्छी होगी तो एक केस मजबूत होगा और सारी डिटेल्स पता होंगी तो केस पर वकील भी एक अच्छे तरीके से अपना तैयार कर सकता है। दरअसल इसलिए किया गया क्योंकि जो वुमेंस इन लॉ 100 ईयर से बहुत काविशें हैं उनकी, बहुत सारी उनकी ऐसे काम है जो कि एवोल्यूशन आए लॉ, लेकिन आज तक इन औरतों के बारे में, हमतों के बारे में बात नहीं की गई, उनकी इन कोशिशों को दिखाया नहीं गया। मेरे ख्याल से एक छोटी सी कोशिश है उनको डेडिकेट किया गया, उनके काम को ही डेडिकेट करने के लिए की अरेंज किया गया। तो आप खुद क्या करती हैं? मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ 4 ईयर की। तो अभी आपका कंप्लीट हो गया यहाँ का? तकरीबन कंप्लीट ही है, एक साल रह गया। तो आप आगे किस में जाना चाहेंगी लॉ के अंदर, किस एक होता है स्पेसिफिक ग्रुप आप क्या चूज़ करेंगे? मुझे इंटरनेशनल लॉ बहुत अट्रैक्ट करता है इंशाल्लाह उसमें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो हमारी गर्ल्स लॉ में आना चाहती हैं पर वो इस लिए नहीं आती कि
किसी भी अगर फील्ड में जाया जाए तो उनको हरास किया जाता है, उनको देखा जाता है गंदी नज़रों से, या फिर अच्छी फील्ड नहीं समझी जाती है, लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाता। तो बिल्कुल मैं समझती हूँ लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो लड़कियों को खासतौर पर बहुत पावरफुल बनाता है, उनको उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ और उनकी पावर को रिकग्नाइज करता है। और मेरे ख्याल से वुमेंस को लॉ में आना चाहिए, सिर्फ एक लॉयर बनने के लिए नहीं, अब जुडिशरी, अब इसमें बहुत सारा स्कोप है जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं है। लॉ को बहुत सारा ना मतलब गंदी नज़र से एज अ गर्ल देखा जाता है, मगर खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लॉ में आए और आके अपना नाम करें। हमारे साथ इस टाइम पे मोहतरमा नाइला मौजूद है, हम लोग उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो यहाँ पे आई हैं और ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारे पाकिस्तान की जिसको इतना प्रोमिनेंट नहीं किया जाता पर आज किया गया है इस एग्जीबिशन के थ्रू। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा और हमारी वुमेंस के लिए वो क्या मैसेज देना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप नाइला? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव और मुझे, मैं बहुत ऑनर महसूस कर रही हूँ कि मैं आज इस चीज़ का हिस्सा बनी हूँ। और बड़े दिनों से प्लानिंग हो रही थी और हमें ये था कि इंशाल्लाह ये जैसे कि मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है, वेल मैनेज किया सब कुछ। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो लेडीज़ हैं ये जब इस प्रोफेशन में आती हैं विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं कि जो मेल डोमिनेटिव है या फीमेल के लिए, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब वकील हैं या इस फील्ड में जज हैं लेडीज़, तो वो बस वकील और जज हैं, ठीक है। ये नहीं जी मेल फीमेल का हमारा डिस्क्रिमिनेशन एक शुरू से आता है, होता आ रहा है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब तो माशाल्लाह मैं देख रही हूँ, जैसा कि मैं अप्रिशिएट करूँगी निदा ने, ये बहुत अच्छा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें जिस तरह से एक था ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह देख रही हूँ सब कुछ वैसा ही। और ये है कि इससे हमारी नई जो आने वाली बच्चियाँ हैं स्पेशली उनके लिए मैं देख रही हूँ कि एक नया रास्ता खुल रहा है और बच्चियाँ अभी इस फील्ड में आ रही हैं। पहले होता था कि शायद ये इस फील्ड में बस जी मेल ही आ सकते हैं और वो ही आगे सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा इस्लाम आने से पहले भी हमारी खवातीन हर फील्ड में आगे रही हैं, बिजनेस भी करती रही हैं। अगर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की अगर मिसाल देखी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी खवातीन किसी से कम है, बल्कि पाकिस्तान में होनी चाहिए, हर फील्ड में खवातीन को आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, ये आप जो हवाला दिया है मैं इसी चीज़ को सेकंड करना चाहूँगी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो फर्स्ट वूमेन थी कि जो ट्रेड, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ट्रेड का दे दिया ना खवातीन को, क्या था उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके साथ साथ उन्होंने एक नया रास्ता जो मुतय्यन किया है, तो ये अब से नहीं कि 1400 साल पहले ये सब कुछ हो चुका हुआ है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि खवातीन जो है कानून के ऊपर फैशन नहीं आ सकती? मैं भी आपके सामने मिसाल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। और इसलिए ये है कि मैंने तो देखा है कि हमें हर जगह पे एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है। और हमें जो कहा, ये मैंने एक बात थी जो खवातीन के लिए ये फिल्म में क्यों नहीं है जी, खवातीन के लिए ये फिल्म, हम आपके सामने खड़े हैं, मेरे ख्याल में हमारे अंदर मर्दों से ज़्यादा डिटर्मिनेशन भी है और बहादुरी भी, दिलेरी भी, हम बिल्कुल हमारे अंदर दिलेरी भी उनसे ज़्यादा है। हम लोग वो बड़े दबंग स्टाइल में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के खास हमने हर जगह पर। अब मेरा जो स्पेशल फील्ड है वो सर्विसेज की, मैं सर्विसेज मैटर्स यही करती हूँ। पर जो मेरे ख्याल में ख़वातीन की जो बात है वो उनका अलहदा से ही उनका एक बना हुआ है कि जी हाँ ख़वातीन बहुत सी सर्विसेज में हैं और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह की मैं भी प्रैक्टिस वहाँ पर कर रही हूँ, बड़े अच्छी तरह से लेके हम इस चीज़ को चल रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बच्चियों के लिए एक तो उनको ये वाला इवेंट भी ज़रूर अटेंड करना चाहिए आके, और उसके साथ साथ देखना चाहिए हमारी ये ख़वातीन माशाल्लाह से जितनी इतनी देखें ये लगी हुई हैं, और इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनका हमें पता नहीं था और यहाँ आके पता चले। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग उनके फेसेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया है इस फील्ड में। तो इंशाल्लाह ये वाला एम डे के हम चलेंगे, हमारे बाद हमारे आने वाले बच्चे इंशाल्लाह चलेंगे। कस्टमाइज कुछ ऐसा कर दिया गया था, लेकिन अब आपको पता है कि हमारा जो नए जो ADR वो जिस तरह से हमारे स्पीडी जस्टिस वहाँ पर मिल रही है, तो आपका नहीं ख्याल कि हमें एक नया रास्ता मिल चुका है कि हम वही वाले केसेस जो हमारे साल साल चलते थे महीनों में ख़त्म हो सकते हैं? आई होप आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान की खवातीन, हमारी पाकिस्तान की यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो कितनी काबिल हैं और उनको आगे किस तरह अपनी लाइफ को लेके चलना चाहिए। आप हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट नूर मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।